गुड मॉर्निंग क्लास, हिंदी की जीरो में आशा का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, सबसे पहले बच्चों आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे कक्षा 6 की पूरक पुस्तक बाल महाभारत से पाठ 36, ठीक है, जिसका नाम है भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। बच्चों, हम लोगों ने अपनी पिछले वीडियो में पाठ 35 को पढ़ा था और पाठ 35 के अभ्यास प्रश्नों को किया था। हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार महाभारत के इस युद्ध में एक के बाद एक योद्धा है वो वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं और उनका अंत होता जा रहा है और धीरे 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 क्या कर रहे हैं, सारे लोग मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों, आज के इस पाठ में 36 में देखा जाएगा कि भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का किस प्रकार अंत होता है, ठीक है। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर को करिए, ठीक है। इस पाठ से हमारा जो पहला प्रश्न बनता है बच्चों, वो क्या है कि भूरिश्रवा का हाथ कैसे कटा। हम लोगों ने पढ़ा था इस पाठ को बच्चों, तो देखा था कि किस प्रकार सात्यकी को जब भूरिश्रवा जो है वो युद्ध के मैदान में घसीट रहता बुरी तरीके से, तो अर्जुन को ये देख के बहुत ही गुस्सा आता है और वो क्या करते हैं, भूरिश्रवा का दाहिना हाथ काट देते हैं। क्यों काट देते हैं, क्योंकि भूरिश्रवा बहुत ज़्यादा तत्पर था सात्यकी को मारने के लिए, तो अर्जुन से रहा नहीं जाता है और वो क्या करते हैं, वो भूरिश्रवा को वार करते हैं, अपनी गांडी से एक तीर निकालते हैं और भूरिश्रवा पे वार करते हैं और भूरिश्रवा का हाथ जो है वो कट के गिर जाता है। हम लोगों ने यहाँ देखा था बच्चों कि किस प्रकार इस पूरे युद्ध में कृष्ण जो है वो बार बार संकेत देते हैं, पांडवों का साथ देते हैं और इस प्रकार वो क्या करते हैं, विजय को प्राप्त होते जाते हैं। यहाँ पे भी कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया था, क्या दिया था, बोला था कि जब सात्यकी जैसे ही मुड़ के देखता है कि जब अर्जुन ने सात्यकी की ओर मुड़ के देखा तो भूरिश्रवा का शरीर को एक पांव से दबा कर वो दाहिने हाथ में तलवार लेकर उसके पर वार करने को वो तत्पर था भूरिश्रवा। इसी पे ही जब उसका हाथ कट जाता है तो कृष्ण की निंदा करती है, कौन करता है, भूरिश्रवा करते हैं। तो अर्जुन क्या बोलते हैं, वृद्ध भूरिश्रवा, तुमने मेरे प्रिय मित्र सात्यकी का वध करने की कोशिश की और वह भी उन सब जबकि वह घायल और अचेत होकर जमीन पर निशस्त्र पड़ा हुआ था, उस अवस्था में तुमने उसे तलवार से मारना चाहा जिसके हथियार टूट चुके हैं, कवच नष्ट हो चुका है और इतना थका हुआ है कि जिसे खड़ा भी रहना दूभर है, यानी दुष्कर है। तो जिस प्रकार भूरिश्रवा सात्यकी पर वार करना चाह रहा था, सात्यकी उस स्थिति में नहीं था लड़ने की, यही देख के अर्जुन क्रोधित होते हैं। चलो बच्चों, हम लोग इस पाठ के पहले प्रश्न को करते हैं। तो इस पाठ से हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि आप लोग मेरे साथ लिखिए, पहला प्रश्न है भूरिश्रवा का हाथ कैसे कटा। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों कि अर्जुन ने देखा कि सात्यकी जमीन पर पड़ा हुआ था, सात्यकी जमीन पर पड़ा था और भूरिश्रवा उसके पड़ा हुआ था और
शवा और बुरी शवा उसके शरीर को एक पांव से दबाकर एक पांव से दबाकर और दाहिने हाथ में तलवार लेकर और दाहिने हाथ में दाहिने हाथ में तलवार लेकर उस पर वार करने को तत्पर तत्पर ही था। ठीक है, उस पर वार करने को वो तत्पर था। कौन था? भूलशवा। ठीक है, यह देखकर अर्जुन से रहा न गया उसने उसी क्षण यानी उसी समय भूरी शवा पर तान कर बाण चलाया बाण लगते ही भूरी शवा बाण लगते ही भूरी शवा का दाहिना हाथ कटकर तलवार समेत उनका जो दाहिना हाथ है वो कटकर तलवार समेत दूर जमीन पर चल गया ठीक है, उनका जो दाहिना हाथ होता है वो कटकर दूर जमीन पे जा गिरता है। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है हमारा कि किसने भूरी शवा का सिर धड़ से अलग कर दिया तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? इसका उत्तर लिखेंगे सातकी ने भूरी शवा का सिर धड़ से अलग
दिया, ठीक है। भूरी शव क्या करता है, वो भूरी शवा का जो सिर है वो कौन अलग करता है धड़ से, अर्जुन करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो तीसरा प्रश्न है, प्रश्न तीसरा पूछ रहा है प्रश्न कि जयद्रथ की मृत्यु किस प्रकार हुई। जयद्रथ की मृत्यु किस प्रकार हुई, तो क्या लिखेंगे इसका उत्तर। इसका उत्तर लिखेंगे कि अर्जुन के गांडीव, उनके तीर का नाम है, अर्जुन के गांडीव से एक तेज से एक तेज बाण एक तेज बाण छूटा और जयद्रथ के सिर को उड़ा ले गया, सिर को उड़ा ले गया, ठीक है। फिर क्या होता है, श्री कृष्ण ने समय पर ही एक चेतावनी अर्जुन को दे दी थी। यहाँ भी श्री कृष्ण साथ देते हैं पांडवों का, तो श्री कृष्ण ने समय पर ही एक चेतावनी अर्जुन को दे दी थी। क्या चेतावनी उन्होंने दिया था कि जयद्रथ के सिर को जमीन पर नहीं गिरने देना है, नहीं गिरने देना है। अर्जुन ने ऐसा ही किया, अर्जुन ने ऐसा ही किया। वो क्या करते हैं, ऐसा वार चलाते हैं कि जो जयद्रथ का वो सिर वो उनके पिताजी के पास जाके गिरता है, ठीक है। जयद्रथ के पिता अर्जुन ने ऐसा ही किया, ठीक है। जयद्रथ के पिता राजा जयद्रथ के पिता राजा क्या नाम था, वृद्धक्षत्र, वृद्धक्षत्र अपनी वृद्धक्षत्र अपने आश्रम में बैठे क्या कर रहे थे, संध्या वंदना यानी शाम का प्रार्थना कर रहे थे। क्या होता है उस दौरान जब संध्या वंदना वो कर रहे होते हैं,
कि इतने में जैदद का सर जैदरथ का सर ध्यानमग्न राजा की गोद में जा गिरा। ध्यानमग्न राजा की गोद में जा गिरा। गोद में जा गिरा, ठीक है। तो किस प्रकार बच्चों, किसने भूरी सभा का सर धर से अलग कर दिया था? तो सात्यकी ने भूरी सभा सात्यकी ने भूरी सभा का सिर धर से अलग कर दिया था। लेकिन वही पूछ रहा है कि अर्जुन के गांडीव से जब एक तेज बाण छूटा तो जयद्रथ के शरीर को वो क्या करता है, उड़ा ले जाता है। और इस प्रकार अर्जुन के वार से ही किसका वध होता है, सात्यकी का, ठीक है। और वो क्या करता है, सात्यकी का वध होता है और वो उनका जो सर होता है उनके पिता के पास जाके गिरता है, जो कि अपने आश्रम में बैठ के वो क्या करते हैं, संध्या वंदना करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अर्जुन के गांडीव से एक तेज बाण छूटता है और जयद्रथ के सिर को वो उड़ा ले जाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा एक आखिरी प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है हमारा चौथा, मारा गया। हम लोग लिखेंगे लिखिए चौथा प्रश्न, घटोत्कच घटोत्कच किसके द्वारा मारा गया, ठीक है। तो घटोत्कच किसके द्वारा मारा गया था बच्चों, युद्ध में किसके किसके बीच में युद्ध हो रहा था, कर्ण और घटोत्कच के बीच में। तो इसका उत्तर लिखेंगे घटोत्कच कर्ण द्वारा मारा गया। तो घटोत्कच किसके द्वारा मारा गया, कर्ण के द्वारा मारा गया, क्योंकि घटोत्कच वो था, वो भी बहुत बलशाली था और कर्ण भी बहुत बलशाली थे। किस प्रकार वो मारा जाता है घटोत्कच, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है कि जब युधिष्ठिर ने जान लिया कि अर्जुन के हाथों जयद्रथ का वध हो गया, ठीक है, तो उन सब के आनंद की सीमा नहीं रहती है। इसके बाद तो युधिष्ठिर दूने यानी दुगने उत्साह से सारी पांडव सेना को लेकर अचानक द्रोण पर वो टूट पड़ते हैं। 14वें दिन का युद्ध केवल सूर्यास्त तक ही नहीं हुआ बल्कि रात को भी होता रहा। घटोत्कच भीमसेन का हिंडिमा से उत्पन्न पुत्र था, वो हिंडिमा से उत्पन्न उनका पुत्र होता है घटोत्कच। कर्ण और घटोत्कच में उस रात बहुत भयानक युद्ध होता है, बहुत अधिक एकदम भीषण युद्ध होता है कर्ण और घटोत्कच में। इसके बाद घटोत्कच ने कर्ण को इतनी पीड़ा पहुंचाई कि वह अपने आपे में न रहा, वो बहुत ही क्रोधित होता है। घटोत्कच इतना परेशान करता है कर्ण को कि वो अपने आपे में नहीं होता, बहुत बौखलाया हुआ होता है। और तब कर्ण क्या करता है गुस्से में कि इंद्र की दी हुई शक्ति, कर्ण के पास इंद्र की दी हुई शक्ति होती है, वो क्या करता है कि
जिससे उसने अर्जुन का वध करने के उद्देश्य से यत्न पूर्वक सुरक्षित रहा था। अर्जुन का वध करने के लिए कर्ण ने उसको संभाल के रखा था, इंद्र की दी हुई शक्ति को। लेकिन वो क्या करता है, उसका प्रयोग किस पे कर देता है, घतोत्कच पे कर देता है। यहाँ अर्जुन का जो संकट था वो तो टल जाता है, लेकिन यहाँ पे घतोत्कच क्या होता है, वो मारा जाता है। इस प्रकार कर्ण के द्वारा घतोत्कच की मृत्यु हो जाती है। और क्यों होती है, क्योंकि घतोत्कच भी यहाँ पे बहुत बलशाली होता है, लेकिन कर्ण में उस पर क्या प्रयोग किया था, इंद्र की दुई शक्ति प्रदान प्रयोग की थी। क्यों, क्योंकि वो उसने अर्जुन को मारने के लिए उसको संभाल के रखा था। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें देखते हुए फिर कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन से कि अर्जुन कुछ कुचकर रच कर ही इनको परास्त करना होगा, यानी इनको हराना होगा, तभी ये लोग हारेंगे, नहीं तो ये हमारा सर्वनाश कर देते हैं। इसीलिए किसी को आचार्य के पास जाकर यह खबर पहुंचानी थी कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा नाम होता है उनके हाथी का। ठीक है, तो युधिष्ठिर ने काफ़ी सोच विचार के बाद कहा कि यह पाप है, मैं अपने ऊपर लेता हूँ। इस व्यवस्था के अनुसार भीम ने गदा प्रहार से अश्वत्थामा के एक भारी लड़ाके हाथी को मार डाला। यहाँ सच में वो हाथी को मार देते हैं और वो क्या करते हैं, फिर द्रोण की सेना में जाकर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। जबकि रियल में जो अश्वत्थामा जिसका नाम होता है, सच में वो तो नहीं मारा गया होता, वो तो हाथी मारा गया होता है। लेकिन यहाँ पे जो झूठी खबर वो लोग फैलाते हैं, जिस कारण कौरवों की सेना का जो ध्यान वो भटक जाता है और उनकी शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है और पांडव उन पर हमला कर देते हैं। इस प्रकार आचार्य द्रोण भी यहाँ पर मारे जाते हैं। इस पाठ में बच्चों किसकी किसकी मृत्यु हुई है, भूरिश्रवा की मृत्यु होती है, जयद्रथ की मृत्यु होती है और द्रोण का भी अंत हो जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला पाठ है बच्चों, पाठ 37, कर्ण और दुर्योधन भी मारे जाते हैं। तो हम लोग अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि कर्ण और दुर्योधन किस प्रकार मारे जाते हैं, उस पाठ के हम लोग प्रश्न उत्तर को करेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।